दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है? क्या आप जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट या सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि बाकी सब्सटेंसेस या कंपाउंड जैसे कि वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? यदि आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है साइंस विद हेमंत राठौर। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सॉल्ट्स के बारे में देखा था और सॉल्ट्स के बारे में हमने उसका यूज़ कैसे होता है या क्या क्या यूसेस होते हैं, सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कैसा होता है, कितनी तरह के सॉल्ट्स होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम केमिकल कंपाउंड्स या सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए आज हम देखते हैं पहले केमिकल कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है द कॉमन सॉल्ट इज़ अ वाइट पाउडर विच इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट एक वाइट कलर का पाउडर होता है, आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा। ठीक है, जो हम नमक लेते हैं उसे ही हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं या टेबल सॉल्ट कहते हैं। जनरली एक वाइट कलर का पाउडर होता है और इसका जो यूज़ होता है वो फूड के प्रिपरेशन में या फिर किसी पर्टिकुलर फूड स्टफ जैसे फिश वगैरह या फिर कुछ पिकल्स वगैरह, इनको प्रिजर्व करके रखने में यूज में आता है। अगला जो है वो द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, ये पर्टिकुलर सॉल्ट का जो केमिकल नेम है दैट इज व्हाट, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो इसकी एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विल बी रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सीधी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट। अगला जो है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय टू वेज। इसको दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला जो है फ्रॉम सी वाटर, है ना, समुद्र के पानी से। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। ओके, तो सी वाटर से आप कॉमन सॉल्ट को कैसे फाइंड करोगे, विद द हेल्प ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि ये एक ऐसा फिनोमिनॉन है जो किसी लिक्विड की सरफेस पर अकर होता है या उसकी सरफेस पर होता है। ओके, तो ये एवोपरेशन के थ्रू फाइंड आउट होगा आपको। और जो नेक्स्ट है वो है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। कुछ सॉल्ट की जो कुछ अमाउंट है उसको हम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से फाइंड आउट करते हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल। जैसे कोल की माइनिंग होती है वैसे ही रॉक सॉल्ट्स की माइनिंग भी होती है, जिसे हम काला नमक कहते हैं। ठीक है, ये हमको धरती के अंदर से या जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन सॉल्ट के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कलर एंड स्टेट। इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड होता है, कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी। इट इज़ सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर इन वाटर। सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो रूम टेम्परेचर पर वाटर में ईजिली सॉल्युबल हो सकता है। हम हमारे घर में कभी ORS सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एक्शन ऑफ हीट। एट लो टेम्परेचर इट एग्जिस्ट एज अ डाइहाइड्रेट। ठीक है, लो टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइहाइड्रेट का मतलब होता है कि जब किसी सब्सटेंस से दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो। ओके, सो NaCl.2H2O आप देख सकते हैं।
ऑन हीटिंग क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस, हीट करने पर ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. ओके नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो केमिकल प्रॉपर्टीज है, पहली है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड और सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइसिस. तो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ठीक है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा. ठीक है, तो रिएक्शन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व होगी. ओके, याद रखना कभी भी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सोडियम सल्फेट नाम का एक सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो. ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. ओके, जब भी सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन बनेगा और क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा. इज इट क्लियर? तो क्योंकि ये एक सेल के फॉर्म में वर्क करता है तो सेल में हमने देखा कि एनोड और कैथोड दोनों होते हैं. ठीक है, तो एनोड जो रहेगा उस पर आपको क्लोरीन गैस फाइंड आउट होगी और हाइड्रोजन जो रहेगा वो आपको कैथोड पर फाइंड आउट होगी. इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम सोडियम क्लोराइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं. एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो चलिए अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड के यूजेस के बारे में. फर्स्ट पॉइंट है इट इज यूज इन डेली फूड. सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट का यूज कहाँ होता है, हमारे डेली फूड में होता है. सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर फूड को या किसी पर्टिकुलर थिंग को प्रिजर्व करना. ठीक है, तो हम जिसे देखते हैं फिश या मीट वगैरह जो होता है तो इनको प्रिजर्व करके या कंजर्व करने में सॉल्ट जो रहता है वो इम्पोर्टेंट होता है या हमारी हेल्प करता है. थर्ड पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोप. तो सोडियम क्लोराइड इसके अलावा और कहाँ का हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा एंड सोप में. ओके, फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन लार्ज अमाउंट टू मेल्ट आइस. लार्ज अमाउंट में आइस को मेल्ट करने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है ना, या स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सड़कों पर या रोड्स पर आइस पूरी तरह से जम जाती है. तो उस तरह की आइस को मेल्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का. ओके, और लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का यूज़ होता है और वो रॉ मटेरियल होता है सोडियम क्लोराइड. ओके, सो दीज ऑल आर द यूसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट. दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH. इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कली. अल्कली का मतलब होता है ऐसे बेस जो वाटर में इजीली सोल्यूबल होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अल्कली. तो हम कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कली एंड इट्स मेड बाय कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सेचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन. मतलब जो सेचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन होता है, मतलब जो 10% NaCl सॉल्यूशन होता है, उसकी हेल्प से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है किसके थ्रू फॉर्म होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस. अब इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली क्यों कहा है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन और अल्कली, अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों फॉर्म होते हैं. इज इट क्लियर? तो इन्हें हम कंबाइंडली कहते हैं क्लोर अल्कली. तो इस प्रोसेस का नाम भी क्या हो गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस.
due to the formation of chlorine and sodium hydroxide as the products. Is it clear? अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एपरेटस यूज्ड इज कॉल्ड कैस्टनर एंड कैलनर सेल. जो सेल हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, उस एपरेटस का नाम है कैस्टनर एंड कैलनर सेल. उसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और एक बैटरी होती है. उस बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और सोडियम क्लोराइड जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है वो सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का भी फॉर्मेशन करता है. यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो आपको मिलेगी वो कैथोड पर मिलेगी और क्लोरीन गैस जो मिलेगी वो आपको एनोड पे मिलेगी. ओके, यू नो दैट व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कैथोड एंड एनोड. सो दिस इज अ रिएक्शन यू कैन सी व्हेन सोडियम क्लोराइड 2NaCl विल बी रिएक्ट विद 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट विल प्रोड्यूस 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. ओके, सो दिस इज अ रिएक्शन एंड दिस इज अ जनरल information about sodium hydroxide. You can take the screenshot of this content. दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं physical और chemical property के बारे में. तो physical properties of sodium hydroxide, it is a white ट्रांसलूसेंट सॉलिड. ये कैसा सॉलिड है? वाइट सॉलिड होता है और ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब हम आसानी से इस क्रिस्टल के आर पार या दूसरी ओर नहीं देख पाते हैं. इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन. ये कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है? 591 केल्विन पर मेल्ट होता है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, इट इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर. ये क्या होता है? वाटर के अंदर इजिली सोल्यूबल हो सकता है. थर्ड वन, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिलिक्विसेंट. डिलिक्विसेंट का मतलब होता है जब ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, सो इट इज कॉल्ड डिलिक्विसेंट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड. जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. ओके, यू कैन टेक द एग्जाम्पल of HCl. When HCl will be react with sodium hydroxide, it will form salt plus water. Okay, तो कौन सा salt बनता है? Sodium chloride नाम का salt बनता है, ठीक है. Next है reaction with metal. When sodium hydroxide react with metal, it will produce salt and hydrogen gas. Okay, जब भी metal के साथ reaction करेगा तो क्या produce करेगा? Salt produce करेगा और साथ ही साथ hydrogen gas भी produce करेगा. हम यह रिएक्शन देख लेते हैं. जिंक मेटल या जिंक ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो डबल मेटल सॉल्ट बनता है Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट. ओके, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है. सो ये थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट. दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं यूसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो इसके साथ साथ हम कुछ और प्रोडक्ट के बारे में भी देखेंगे, यूसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखते हैं. ए, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट. सोप्स और डिटर्जेंट को बनाने में किसका यूज़ होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है. बी है इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स जैसे रेयन. रेयन को बनाने में किसका यूज़ होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है. हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि जब भी हम वुड पल्प का ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो उससे क्या फॉर्म होता है? रेयन, और रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट, जो अदर प्रोडक्ट बनता है उसमें नेक्स्ट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है? फ्यूल के फॉर्म में होता है. हम देखते हैं कई बार रॉकेट में जो फ्यूल के फॉर्म में यूज़ में आता है वो सब्सटेंस कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है. या हम बैलून के बारे में देखते हैं तो हाइड्रोजन बैलून जो रहता है उसमें भी फ्यूल कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. इसका यूज़ और कहाँ होता है? अमोनिया के प्रिपरेशन में होता है. हम सिंपल से रिएक्शन लिख सकते हैं कि N2 प्लस 3H2 इट विल गिव्स अस 2NH3.
ठीक है। तो अमोनिया बनाने में भी किसका यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। ओके, आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रोडक्ट बनता है वो है क्लोरीन। क्लोरीन इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर क्लीनिंग वाटर। वाटर को क्लीन करने के लिए हमको क्लोरीन जो है वो बहुत यूज में आता है। हम देख सकते हैं हमारे घर पे भी वाटर जो रहता है या पानी कहीं पर रहता है तो उसके अंदर क्लोरीन की कुछ टैबलेट्स ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है वाटर जो होता है वो फिल्टर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जितने भी बनते हैं उनके प्रिपरेशन में किसका यूज होता है, क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है सी, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ब्लीचिंग पाउडर एट्सेट्रा। क्लोरोफॉर्म और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी क्लोरीन का यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का जो कोई फॉर्मूला पूछता है तो आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, CHCl3, इज इट क्लियर। और अगर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर आप बोल सकते हो CaOCl2, इज इट क्लियर। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये क्लोरोफॉर्म और ब्लीचिंग पाउडर का है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, इज इट क्लियर। ये तो कैल्शियम का ब्लीचिंग पाउडर है, अगर आप सोडियम का ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा, इसकी जगह Na लिख दीजिए, NaOCl, इज इट क्लियर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, इज इट क्लियर। सो दिस इज अ यूजर्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट्स सच एज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल का नाम है साइंस विथ हेमंत राठौर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो किसी भी वीडियो में, किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी पर्टिकुलर टर्म में, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सभी केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, उनके यूसेस के बारे में, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चले। तो आज के लिए हम यही देखते हैं, अपनी अगली क्लास में मैं आपको और भी केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।